अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब फ्री ऐसे होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा सीरियल नंबर लगाने की मुख्तलिफ ट्रिक्स एंड ट्रिक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने मेथड नंबर वन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और यूजफुल है, और बहुत कम लोगों को इसका आइडिया होगा। तो इसके लिए हम करते हैं, सबसे पहले हमारे पास दूसरे कॉलम में कुछ ना कुछ डाटा होना चाहिए। तो पहला जो रूटीन में यूज़ हो रहा होता है उसमें वन लिखते हैं, उसके बाद इक्वल ऊपर वाले वन को सेलेक्ट करें, प्लस वन कर दें, और ये आपको नीचे इसको सेलेक्ट करके आप यहाँ नीचे जहाँ तक आपको सीरियल नंबर चाहिए, और कंट्रोल डी प्रेस कर दें। कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू आपकी नीचे आ जाएगी। उसके बाद हम यूज़ करेंगे एक मुनफरिद तरीका, सब टोटल के जरिए हम कैसे सीरियल नंबर लगाते हैं। इस मेथड के जरिए ये होगा कि हम जो भी चीज़ फिल्टर करेंगे उसके अकॉर्डिंग उसका सीरियल नंबर ऑटो अपडेट हो जाएगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले इक्वल सब टोटल, सब टोटल को सिलेक्ट करें, टैब का बटन प्रेस करें तो ये आपका सब टोटल सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद थर्ड ऑप्शन पे नंबर थ्री आपने सेलेक्ट करना है काउंट ए। काउंट ए को सिलेक्ट करके आपने टैब का बटन प्रेस करना है, वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने कॉमा प्रेस करना है, और रेफरेंस नंबर वन में आपने सबसे पहले ये पहला सीरियल नंबर जिसके अकॉर्डिंग आप सीरियल नंबर जा रहे हैं मेथड नंबर वन में, जो A B4 आपका सेल है उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने कॉलन प्रेस करना है तो वो दोबारा B4 सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, और इसमें B4 पे जाके यहाँ आपने F4 प्रेस करके इसको फ्रीज कर देना है। F4 किया और ये हो गया फ्रीज। अब इसको मैंने सेलेक्ट करके नीचे ड्रॉप डाउन किया, और इसको मैंने किया कंट्रोल डी, तो ये आपका सीरियल नंबर अपडेट हो गया। और इसके बाद तीसरा मेथड जो है उसमें हम यूज करेंगे वन टू लिखा हमने सीक्वेंस में। अब एक्सेल की ये फंक्शनैलिटी है, जो हम सीक्वेंस लिख रहे हैं उसको वो आगे कैरी फॉरवर्ड कर देता है। यहाँ हम डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा सीरियल नंबर अपडेट हो गया। उसके बाद हमारे पास चौथा फंक्शन है वन टू लिखा, उसके बाद हम इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ कॉर्नर पर क्लिक करके इसको माउस के साथ नीचे ड्रॉप डाउन करेंगे तो ये आपका सीरियल नंबर अपडेट हो गया। अब मैं इसमें आपको एक फंक्शन, जो मेजर सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन था सीरियल नंबर का, वो ये वाला है, इसको हम ज़रा हाईलाइट कर लेते हैं। और इसमें अगर मैं फिल्टर करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एफ के साथ, तो ये देखिए अगर मैं यहाँ से कुछ वैल्यू को सेलेक्ट करके फिल्टर करूँगा तो ये देखें उसके अकॉर्डिंग सीरियल नंबर बाकी सब में चेंज हो गया, लेकिन ये सीरियल नंबर बिल्कुल सीक्वेंस के साथ है। उम्मीद करता हूँ ये आपको सीरियल नंबर वाली ट्रिक पसंद आई होगी। उसके बाद हम चलते हैं कि टोटल अगर हमने कुछ ऐड करना हो या सम के फंक्शन कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम इक्वल SUM सम, जहाँ हमें वैल्यू टोटल रिक्वायर्ड है, सम रिक्वायर्ड है, वहाँ सम ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ से हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करेंगे तो आपकी टोटल वैल्यू ऊपर तक सेलेक्ट हो जाएगी। अगर हम इसको नीचे करेंगे फिर शिफ्ट के साथ, तो आपने अपनी रेंज सेलेक्ट कर ली और इसको एंटर करें तो ये आपका सम आ गया, ठीक है। उसके बाद इसकी शॉर्ट की है Alt इक्वल प्रेस करेंगे तो आपका वो ऊपर वाली सारी वैल्यू सम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसमें तीसरा है कि आप इन सबको यहाँ तक सेलेक्ट करें, और यहाँ पे ऑटो सम का है इस पर क्लिक करें तो आपका सम हो जाएगा। और उसके बाद सबसे आखिरी मेथड है कि आप मैनुअल इसको सम कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं वन बाई वन, लेकिन ये टिपिकल है तो इसलिए हम इसको यूज नहीं करेंगे। इस तरह आप जितना प्लस करेंगे उसके अकॉर्डिंग उसका आपको टोटल दे देगा, ठीक है।